वेलकम टू जीके एक पाठशाला। जीके एक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे इस पाठशाला में जो भी नए हैं उनसे निवेदन करता हूँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और इस परिवार का हिस्सा बने। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस या ऑप्शन डी आगरा गतिमान एक्सप्रेस। उत्तर है ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस। द गतिमान एक्सप्रेस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया एंड हैज द ग्रेटेस्ट ऑपरेशनल स्पीड एज ऑफ 2022 विथ सर्टन सेक्शंस रीचिंग 160 किलोमीटर पर आवर, व्हाइल द वंदे भारत एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया एंड हैज द फास्टेस्ट टॉप डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। लंदन की रॉयल सोसाइटी के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन बी सी वी रमन, ऑप्शन सी ए सी वाडिया या ऑप्शन डी टी सी महालनोबिस। उत्तर है ऑप्शन सी ए सी वाडिया। अर्धसीर करसेट जी वाडिया वॉज एन इंडियन पारसी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर बिलोंगिंग टू द वाडिया शिप बिल्डिंग फैमिली। ही इज नोटेड फॉर हैविंग बीन द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। He is also recorded as having introduced several novel technologies to the city of Bombay, including gas lighting, the sewing machine, steam pump driving, irrigation and electroplating. He is presumed to be the first Parsi to have visited America. Question number 3, which among the following city of India used the first इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियली। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर ने व्यावसायिक रूप से सबसे पहले बिजली का उपयोग किया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी दार्जिलिंग। उत्तर है ऑप्शन डी दार्जिलिंग। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड नियर ए टी स्टेट एट सिद्रापोंग फॉर द दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी इन 1897। नाउ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2021 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए गोल्ड मेयर, ऑप्शन बी मार्गरेट थाचेर, ऑप्शन सी श्री माबो बंडारनाइके या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। उत्तर है ऑप्शन सी श्रीमाबो बंडारनाइके। श्रीमा रत्वेद दाय बंडारनाइके कॉमनली नोन एज श्रीमाबो बंडारनाइके वॉज ए श्रीलंकन पॉलिटिशियन। ही वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 1960।
He chaired the Sri Lanka Freedom Party from 1960 to 1994 and served 3 terms as Prime Minister, 2 times as the Chief Executive, 1960 to 1965 and 1970 to 1977, and once again in a presidential system from 1994 to 2000, governing under the presidency of her daughter Chandrika Kumaratunga. Question number 5. When was the first passenger train run in India? भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1853, ऑप्शन बी जनवरी 1848, ऑप्शन सी मई 1857 या ऑप्शन डी अप्रैल 1852। उत्तर है ऑप्शन ए अप्रैल 1853। The first passenger train ran in 16th April 1853 in India between Boribandar, Mumbai to Thane, covering a distance of 34 km. This passenger train carried a total number of 400 people. Lord Dalhousie is credited for the introduction of railways in India. Question number 6. Where is the Great Grandfather Tree located? ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ग्रीस या ऑप्शन डी चिली। उत्तर है ऑप्शन डी चिली। The Great Grandfather Tree is currently in the process of being organized as the oldest tree in the world. Situated in Chile, this tree is believed to be around more than 5,000 years old. The sample which was extracted and other dating methods suggest the tree is up to 5,484 years old. The current record holder is a 4,853 years old Wilsilcon pine tree in California. Question number 7. Sanchar Sathi portal which was launched recently is used for which activity? Sanchar Sathi portal jise haal hi mein launch kiya gaya hai ka upyog kis gatividhi ke liye kiya jata hai? Option A khoye ya chori hue mobile ko track karna, option B shikayat nivaran, ऑप्शन सी पुरस्कारों के लिए नामांकन या ऑप्शन डी जीएसटी फाइलिंग। उत्तर है ऑप्शन ए खोए या चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करना। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फाइनली लॉन्च द संचार साथी पोर्टल टू हेल्प यूजर्स track their lost or stolen mobile phones. It uses the Central Equipment Identity Register CEIR system to block or locate lost mobile phones. The system is managed by the Center for Department of Telematics CDOT. Question number 8. Which country is set to launch NVS-01 navigation satellite? कौन सा देश NVS-01 navigation satellite लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी रूस। उत्तर है ऑप्शन सी भारत। NVS-01 सैटेलाइट is said to be launched by ISRO on May 29. It is a navigation satellite that will be launched aboard the GSLV Mk2. It aims to augment the 7 satellite navigation constellation NAV-IC. The NVS-01 satellite will replace the navigational capabilities of another satellite
IRNSS-1G in the constellation. It will retain its communication and messaging capabilities. Question number 9. Which cyclone has hit Myanmar and is one of the strongest storms to hit the region this century? कौन सा चक्रवात म्यांमार से टकराया है और इस सदी में इस क्षेत्र में आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है? ऑप्शन ए चक्रवात म्यान, ऑप्शन बी चक्रवात मोचा, ऑप्शन सी चक्रवात मीरा या ऑप्शन डी चक्रवात मोटो। उत्तर है ऑप्शन बी चक्रवात मोचा। साइक्लोन मोचा वॉज फॉर्म ओवर द साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल ऑन मे 11। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन टू हिट म्यांमार इन द डिकेड। साइक्लोन मोचा वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म्स टू मेक लैंडफॉल इन द रीजन दिस सेंचुरी। द मिलिट्री हैव अनाउंस्ड ओवर 20 डेज नेशन वाइड। क्वेश्चन नंबर 10। युग युगिन भारत नेशनल म्यूजियम इज टू बी सेट अप इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? युग युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी नई दिल्ली। उत्तर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। युग युगिन भारत नेशनल म्यूजियम इज ए न्यू म्यूजियम दैट विल बी सेट अप एट नॉर्थ साउथ ब्लॉक एज पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इट विल डिस्प्ले इंडिया रिच सिविलाइजेशनल कल्चरल स्पैनिंग ओवर 5000 ईयर्स। द इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू commemorate the 47th International Museum Day on May 18. Question number 11. India signed a mobility pact that will allow 42,000 Indians to work with which country? भारत ने एक गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 42,000 भारतीयों को किस देश के साथ काम करने की अनुमति देगा? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल। इंडिया एंड इजराइल हैव इंक्ड ए मोबिलिटी पैक्ट दैट विल अलाउ 42,000 Indian workers to work in Israel in the field of nursing and construction. The agreement was signed during Israeli foreign minister's visit to India. Both countries also signed a letter of intent to establish two centers of water technology in India. Question number 12. Which state launched the state robotics framework? Kis rajya ne state robotics framework launch kiya? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज रिसेंटली launched the state robotics framework. This is the first such framework in India. It is aimed at creating a sustainable robotics ecosystem and to position the state as a leader in the field of robotics. Question number 13. Which company has launched Watson X AI and data platform? Kis company ne Watson X AI और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IBM,
बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल या ऑप्शन डी एप्पल। उत्तर है ऑप्शन ए IBM। The IBM had launched Watson X, an AI and data platform capable of enabling countries to integrate artificial intelligence in their business. It can be used for automatically generating codes using natural language and deploy AI models for tasks such as chemical creation and climate change modeling. Question number 14. Which country hosted the Petersburg Climate Dialogue? किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है ऑप्शन सी जर्मनी। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इज एन एनुअल फोरम दैट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ मे दिस ईयर अहेड ऑफ द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इट इज ए हाई लेवल पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फोरम। दिस ईयर पीसीडी सीरीज वॉज को होस्टेड इन बर्लिन बाय जर्मनी एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द इनकमिंग COP28 प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is the first missile which has been developed in India? निम्नलिखित में से कौन सी पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अग्नि या ऑप्शन डी त्रिशूल। उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1983 टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल एटसेट्रा। पृथ्वी वॉज द फर्स्ट मिसाइल टू बी डेवलप्ड अंडर द प्रोग्राम। DRDO अटेम्प्टेड टू बिल्ड ए सरफेस टू एयर मिसाइल अंडर प्रोजेक्ट डेविल। वेरियंट्स मैक्स यूज ऑफ आइदर लिक्विड और बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स। डेवलप्ड एज ए बैटलफील्ड मिसाइल इट कुड कैरी ए न्यूक्लियर वॉरहेड इन इट्स रोल एज ए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।